चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे रूल्स ऑफ सर्डस यानी कि कर्णी के नियम। ये दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट है और इसके दोस्तों सेकंड पार्ट में हम इसके नियम से कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों मैंने घातांक के नियम बताए हैं, रूल्स ऑफ पावर के बारे में बताया है, एग्जाम्पल भी वहां पर हमने सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कर्णी के नियम के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करें कि सर्डस यानी कि कर्णी है जो होता क्या है। तो दोस्तों जब किसी संख्या का मूल यानी कि रूट पूरी तरीके से नहीं निकाला जा सके, यानी कि पूर्ण संख्या में हम नहीं निकाल पाते हैं किसी संख्या का रूट, तो उसे कर्णी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3√3, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो रूट है, मूल है, वो पूरी तरीके से नहीं निकाला जा सकता, तो इसे कर्णी कहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई कर्णी है, जैसे एन यहाँ पर हमें दिया जाता है रूट में, यहाँ पर ए, ठीक है। तो ये एक कर्णी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो n है वो कर्णी की घात कहलाती है, जैसे ये n है तो इसे कर्णी की घात कहते हैं, और ये जो a है इसे कर्णी गत या कर्णी आधार कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कर्णी के नियम के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पर दोस्तों कुछ संख्याएं हमें इस प्रकार से दी जाती है, जैसे ये हमें दिया गया है ए रूट एक्स है, प्लस यहाँ पर बी रूट एक्स है, यहाँ पर दोस्तों प्लस सी रूट एक्स है। तो इसे हम दोस्तों इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट एक्स है इसे बाहर कॉमन लिया गया है और यहाँ पर जो संख्याएं हैं इन्हें प्लस में कर दिया गया ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई संख्या है, इसी तरीके की कोई संख्या हम लेते हैं, यहां पर है 5√3 प्लस यहां पर दोस्तों आगे संख्या है 4√3 और यहां पर आगे मान लीजिए संख्या है प्लस में 2√3, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे अगर हम सरल करें सही रूप में लिखें तो इसे दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर कॉमन है √3 तो इसे हम बाहर लिख देंगे और बाकी की जो संख्याएं हैं उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर है 5, 4 और 2 तो यहां पर हम लिखेंगे 5+4+2, ठीक है। तो इन्हें हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 5, 4, 9, 9 और 2, 11। तो इसे दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट में यहां पर 3 आएगा और 11 हमारे पास जोड़ने पर आया है। और दोस्तों इसे हम सरल रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 11√3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो ये दोस्तों इसका पहला नियम है कि कर्णी में आपको कुछ संख्याएं दी जाती है और उन्हें जोड़ा जाता है और कोई संख्या कॉमन है जो रूट में है तो उसे बाहर लिखा जा सकता है। ये आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम इसका हम देखते हैं। तो इसका जो दोस्तों दूसरा नियम है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याएं रूट में है और गुणा में है तो उन्हें एक रूट में गुणा में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है √a√b√c तो इसे दोस्तों एक ही रूट में लेके यहाँ पर a√b√c लिखा जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर √5 है, इसके गुणा में यहाँ पर है √3 और आगे यहाँ पर हम देखें गुणा में √6 है। तो इसे दोस्तों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, सभी के लिए एक रूट हम लेंगे और तीनों को आपस में गुणा करा देंगे, तो 5 × 3 × 6, ठीक है। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 5 × 3 = 15 और 15 × 6 = ये हो जाएंगे 90। तो यहाँ पर दोस्तों 90 हमारा आंसर आ जाएगा। पर दोस्तों और भी इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर आपको इंडिकेशन सर्डस रूल से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें इसके सारे वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नियम के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो इसका नियम है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर दोस्तों रूट ए है और यहाँ पर दोस्तों कर्णी घात को यहाँ पर एन लगी हुई है, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा दोस्तों इसका रूप यहाँ पर ये हो सकता है a√1/n, ठीक है। यानी कि जो इसकी कर्णी घात है वो बटे में आ जाती है जब हम इसका रूट हटाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है √3, यहाँ पर दोस्तों अगर कोई कर्णी घात नहीं लगी हुई है तो पहले से यहाँ पर 2 है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3√1/2, ठीक है। और भी दोस्तों 1/2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3√0.5, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 0.5 घात को 1/2 हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम चौथा रूल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा रूल है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कर्णी दी जाती है, जैसे रूट में ए है और इसकी कर्णी घात एन यहाँ पर है और इसे दोस्तों ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसके बाहर दोस्तों आपको वही घात दी जाती है जो कर्णी घात है। तो इसका दोस्तों आप मान सीधा लिख सकते हैं कि जो संख्या रूट में यहाँ पर दी जाती है वही इसका मान होगा। और ये दोस्तों किस प्रकार से आएगा ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास है तो इसे दोस्तों हम किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे तीसरा नियम अभी मैंने आपको बताया कि एन रूट ए हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1/n, तो इसे हम इस प्रकार से लिख
लिखेंगे ए की घात एक बटे एन, और यहाँ पर पहले से बाहर घात एन दी हुई है तो इसे हम ब्रेकेट में लिखेंगे और बाहर घात लिखेंगे एन। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने घातांक के नियम में आपको बताया था, अगर किसी संख्या की घात एन हो और वहां पर ब्रेकेट के बाहर भी कोई घात हो तो ये घातें हमेशा आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही नियम लगेगा, तो ए की घात है एक बटे एन और ये बाहर वाली घात इसके साथ क्या होगी, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से एन कटेगा और ए की घात एक रह जाएगी, तो किसी भी संख्या की घात एक हो तो उसका मान वही आता है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक प्रकार से दोस्तों अगर आपको इस रूप में कोई संख्याएं दी जाती है तो वहां पर उसका मान आप सीधा लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या आपके पास रूट में पांच है, ठीक है, बाहर यहाँ पर करनी घात तीन लगी हुई है और इसके ऊपर भी दोस्तों घात तीन है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, जो संख्या दोस्तों ब्रेकेट के अंदर है उसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर पांच की घात हो जाएगी एक बटे तीन इस नियम से। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर घात लगी हुई है तीन, तो यहाँ पर तीन हम लगा देते हैं, अब ये घातें आपस में गुणा होगी तो पांच की घात हो जाएगी एक बटे तीन गुणा तीन, तीन से तीन कटेगा पांच की घात एक रहेगी, मान दोस्तों पांच आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये नियम है कि इस रूप में आपको कोई संख्या दी जाती है तो उसका मान आप सीधा यहाँ पर रख सकते हैं, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसका नियम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पांचवें नियम की हम बात करें तो पांचवा इसका नियम है कि अगर आपको कोई संख्या बटे में दी जाती है और उस पर कोई करणी घात लगी हुई है तो वहां पर जो दोनों संख्याएं हैं यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों के लिए वो घात लगेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया जाता है ए बटे बी और यहाँ पर कोई करणी घात एन है, तो ये जो एन घात है दोनों के लिए इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे ए रूट में और यहाँ पर एन लगेगा और यहाँ पर भी दोस्तों बी रूट में आएगा और यहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोस्तों इसके लिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है 49 बट्टे 15 और इस पर कोई घात लगी हुई है, यहाँ पर हम मान लेते हैं तीन है। ठीक है, तो ये दोस्तों किस प्रकार से होगा, यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे करेंगे 49 और इसके लिए तीन आएगा, इसे दोस्तों क्यूब रूट भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बट्टे में है 15 तो 15 यहाँ आएगा और यहाँ पर भी करणी घात लगेगी। तो ये दोस्तों इसका नियम है पांचवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसका नियम हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगला इसका नियम है जो क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या और उस पर दो रूट लगे हुए हैं और दोनों की घात अलग अलग है तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक करणी घात एन है, इसके ऊपर एक रूट और लगा और यहाँ पर एम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा कि ये जो घाते हैं वो हमेशा गुणा हो जाएगी आपस में, जैसा कि घातांक के नियम में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान आएगा एम गुणा एन और रूट में हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया जाता है कि तीन है और ये यहाँ पर रूट में कोई संख्या और यहाँ पर दो करणी घात है और यहाँ पर है 45। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दोनों घातों को हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तीन गुणा दो और रूट में आ जाएगा यहाँ पर 45, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर दोस्तों रूट 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ नियम है करणी के जो दोस्तों हमें आगे काम में आने वाले और इन्हें दोस्तों हम अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी क्वेश्चन में अगर हमें जरूरत पड़ती है सर्डर्स रूल की तो वहां पर हमें आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।